हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो ये जस्ट वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस चैप्टर इज सेट। व्हाट डू मीन बाय सेट? ओके, तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट सेट होते क्या है। ओके, उसके बाद इसके कुछ अलग अलग सेट के टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में जस्ट नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, बट हियर फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज सेट। ओके, और सेट आप किसको कहोगे? जैसे आप देखो, आपको हमें डेली लाइफ में बता रहे हैं, जैसे आप सपोज करो आपके क्लास में, सपोज करो क्लास में कोई आपका टेस्ट हुआ मान। ओके, सपोज करो आपके क्लास में टेस्ट हो रहा है। ओके, आपका मान लो टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का। ओके, इसमें सपोज करो कोई स्टूडेंट क्या पाया, 49 पाया, कोई पाया मान लो 50 पाया, कोई पाया 40 पाया, कोई 30 पाया, कोई जीरो पाया, जीरो समझ पा रहे, मतलब कोई जीरो पा गया। ओके, चलो कोई मान लो टू समथिंग नंबर्स पा रहे। ओके, ये ध्यान देना, ये जो नंबर्स है ना, इनको अगर जो सपोज एक कोई सपोज करो सेट को हमेशा हम आपको बताएंगे जस्ट कि सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं। अभी जैसे कि आप ये सोचो सेट को हम सपोज करो ऐसे लिखते हैं, इन सारे नंबर्स को आप इसमें रख लो, सारे नंबर्स जितने हैं ना इसमें आप रख लो, टू है जो भी है, पहले जीरो है, फिर टू, 30, फिर 49, फिर 50 एंड सो ऑन सो ऑन, ऐसे रखना, ठीक है। ये जो सारे है ना, ये नंबर जो फॉर्मेशन करते हैं, ये सेट के फॉर्मेशन करते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे सेट के मेन डिफिनेशन, इसके बाद से चीज अभी हम बस आपको थोड़े से रिकॉल कराएं कि सेट के बारे में। ओके, ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इसमें क्या है, डिस्क्राइबिंग सेट, इसको अलग अलग हम बताएंगे। पहले तो आप सेट पे जानो। देखो सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। यस, जैसे देखो यहाँ पे एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड का मतलब आप नहीं समझ पा रहे, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है ना कि आपको मतलब उसमें कोई भी मतलब सोचने, ऐसे हम मान लो आपसे कह दें कि यदि आपके क्लास में मान लो कोई मैथ्स का टेस्ट हुआ, ओके, हम आपसे कह दें इसमें जो मार्क्स स्टूडेंट पाए हैं उनका आप जो भी मार्क्स बताओ कौन कितना पाया, तो इसमें तो आपको डाउट नहीं है ना, डाउट नहीं है कि मान लो आपकी क्लास टेस्ट हुआ है, क्योंकि आप क्लास में कौन कितना मार्क्स का बिल्कुल आप लिख सकते हो। यही कह रहा है मतलब वेल डिफाइंड, मतलब बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए आप कन्फ्यूजन में हो जा रहे कि किसका कितना है हमें नहीं पता, ऐसे किसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसमें डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट का मतलब सेट में आपको पता है कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, समझ पा रहे? ओके, ये मेन आप डिफिनेशन है ये सेट के, आप डिफिनेशन इसको जस्ट हम इसको इसको आप देख सकते हो, ये सेट का मेन डिफिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ डार्क कर दे रहे ताकि आप इसको लर्न कर लो। ओके, ठीक है, ये सेट के डिफिनेशन हो गया। इसके बाद से देखो जैसे कह रहा है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट, ठीक है। अब ये ध्यान देना जैसे ये कह रहा है, जैसे अब देखो जस्ट आपको हम पहले इधर ऐसे समझा देंगे जस्ट, ठीक है। जैसे सेट का मतलब देखो, सेट है यहां से ध्यान देना, ये अगर आपका सेट है तो सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते ना, रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर, जस्ट वेट, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर। ओके, जैसे कैपिटल लेटर का मतलब है ये आप सोच पा रहे हैं, जैसे मान लो कोई सेट है, स्मॉल ए इक्वल टू, जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो सेट का नाम ए रखो, बी रखो, सी रखो, एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, वाट एवर यू कैन टेक, बट रिमेंबर द नेम ऑफ द दैट सेट विल बी ऑलवेज द इंग्लिश अल्फाबेट एंड दैट विल बी अ कैपिटल लेटर। समझ पा रहे, समझ रहे नहीं बाबू, ये होना चाहिए। अब ध्यान देना जो सेट में एलिमेंट, जैसे ये ध्यान देना, सपोज करो अगर हम आपसे ये कह दें तो एक ही सेट है, इसमें मान लो 1, 2, 3, 5 ऐसे हमने कुछ एलिमेंट्स रखा। ओके, तो ये जो होते हैं ना, ये आले जैसे 1 है, इस सेट का एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट है। 2 भी क्या है, इस ए सेट का एलिमेंट है। 3 क्या है, एलिमेंट है। 5 क्या है, तो एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये जो भी सारे आपके सेट है ना, ये सारे इसके एलिमेंट्स है। ओके, चलो जब ये आपके एलिमेंट्स हो गए हैं
और ये ध्यान है, ये सारे कैपिटल लेटर में है, अब ध्यान देना। हमने आपको जस्ट बताया कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे लिख दें सेट में, ये नहीं लिख सकते, ये नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो जो टू एलिमेंट है ना, ये रिपीट हो गया, मतलब दो बार आ गया ना, मतलब एक ही बार आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, अब ध्यान देना इसमें, ये देखो एक और चीज इसमें ये होता है कि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता। जैसे मान ये जो आपका सेट था ए, ए इक्वल टू, मान हम आपको ये दे दिए ए इक्वल टू क्या 1 2 3 5। ओके, हम आपसे ये कह रहे हैं इसमें वन जो है, वन बिलोंग, ये ध्यान, ये नोटेशन होता ना बाबू, ये ध्यान देना, ये जो हमने नोटेशन बताया इसको आप पढ़ोगे क्या, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ोगे बाबू, बिलोंग्स टू, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। समझ पा रहे, ये नोटेशन इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। आप देखा, हम आपसे कह रहे हैं वन जो है, इस सेट में हमने उठाया ना क्या, वन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ये है कि नहीं। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, बिलोंग्स टू का मतलब ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ना, क्या इस सेट में है कि नहीं है, तो यस का हो, यस वन बिलोंग्स टू, नो ऑफ कोर्स बिल्कुल दिख रहा। लेकिन सपोज हम आप यहाँ कहते सिक्स बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये सही है? देखो क्या यहाँ पर आप देखो, क्या इसमें सिक्स है? नहीं है। जब सिक्स है ही नहीं तो सिक्स इसमें बिलोंग कहाँ करेगा, नहीं करेगा ना। इस केस के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे, ये देखो हमने सिक्स बिलोंग्स टू कहा, ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे बिलोंग्स का नोटेशन बनाओगे और उसको ऐसे कट कर दोगे, और इसको ऐसे जहाँ लिखा होता ना, इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे इसको जहाँ भी ऐसे, समझ पा रहे, मतलब ऐसा लिखा जाएगा आप इसको पढ़ोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, और ऐसा लिखा हुआ तो बिलोंग्स टू। यहाँ तक समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो जस्ट आप देखो, बस आपके यही सारे एलिमेंट्स है, इसमें पूछा जाए कौन एलिमेंट है, कौन सेट में बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये आप ये कह रहे हैं, जस्ट हमने बताया द सेट आर यूजली डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर, जस्ट हम अभी जस्ट आपको डिस्कस किया, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड द मेंबर ऑफ ए सेट आर डिनोटेड, हमेशा देखना जब भी सेट के एलिमेंट मेंबर लिखोगे ना, एलिमेंट्स ये हमेशा स्मॉल, अगर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर लिख रहे हैं तो ये हमेशा आपके क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। ओके, अब देखो इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ सेट ए देन रिएक्ट एक्स बिलोंग्स टू, अभी जस्ट हमने आपको डिस्कस किया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, जस्ट इसको बताया था ना अभी, अरे बाबू इस नोटेशन को तो जस्ट हमने डिस्कस किया था जी, एक्स बिलोंग्स टू, समझ पा रहे, एंड इफ एक्स नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए देन वी राइट व्हाट, एक्स देन, जस्ट अभी हम इसको बताया था, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर मेंबर ऑफ सेट ए देन वी राइट एक्स कॉमा वाई। जैसे सपोज कर हम आप ये कह दें 2 5 6 8, ओके, हम कह रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट होता है, हम कह रहे हैं 2 और 6 क्या ये सेट, सपोज कर कोई सेट ए था, 2 और 6 क्या इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे 2 यहाँ 6, इसका मतलब इसमें बिलोंग कर गया, समझ पा रहे, यानी इस सेट में ये बिलोंग करता। अब जैसे ये लोग कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, जैसे यहां ध्यान दो, ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो सेट के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये सारे आपके मेथड्स हैं, पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, बोथ आर सेम थिंग, ओके, उसके बाद से कहते हैं रूल मेथड आर सेट बिल्डर, ये आपके अलग अलग मेथड्स हैं कि सेट को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, इन मेथड्स को हम अलग अलग आपको डिस्कस करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं बाबू इसमें डिस्क्रिप्शन मेथड, ओके, तो इसमें देखो डिस्क्रिप्शन मेथड कहता क्या है, इसमें ये कह रहा है इन दिस मेथड वी मेक अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट इज इंक्लोज इन ए कर्ली ब्रैकेट, मतलब जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है द सेट ऑफ इवन होल नंबर लेस देन 20 इज रिटन एज इवन होल नंबर लेस देन 20, समझ पा रहे हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन मेथड का मतलब उसको आप लैंग्वेज में लिख दो, बस कह रहा है ना दिस मेथड वी मेक वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट इज इंक्लूडिंग ए कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। जैसे हम आपसे कहें कि
the even number which are less than 10. Even number less than 10 to direct आप देखो even number और less than 10 इसी को हम बोलते हैं, लेकिन लिखा ना even whole number less than 20 ये आपके description में होगा, ठीक है? Note that 0 belongs to even whole number less than 20, while 20 does not belong to even whole number less than 20, okay? फिर ये कह रहा है the set of all months of a year is written as. अब देखो आप यदि कहा जाए the set of all months of a year is written, इसको कैसे आप कौन से description description method में लिखोगे, तो directly लिखो क्या month of a year, okay? लेकिन आपसे description method बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मेन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रोस्टर मेथड और टेबलर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से, यहीं से आपके ना मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके? तो सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी रोस्टर मेथड हो और टेबलर मेथड, इसमें क्या करते हैं ना एलिमेंट्स को सेट में लिखते हैं और उसको कामा के द्वारा ना सब सेपरेट कर देते हैं, समझ पा रहे? जैसे ये देखो इसमें दिया है इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द नंबर ऑफ सेट विद इन ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ओके, एंड सेपरेट दिस बाई कामा, हमने जस्ट बताया इनको क्या करते हैं कामा, जैसे अभी हमने एक कोई सेट लिखा था मान लो 2, 5, 8, 10 ऐसे लिखे रहे थे ना, ये देखो कामा से सेपरेट है ना, समझ पा रहे? देखिए कर्ली ब्रैकेट में भी है, तो यही आपका होता है रोस्टर मेथड और टेबलर फॉर्म, समझ पा रहे? अब ध्यान दो, ठीक है? अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल दिस सेट ए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15 इन द रोस्टर फॉर्म इज रिटन एज, जैसे देखिए ये को हम ऐसे लिख पा रहे, समझ पा रहे? अरे जैसे ये आपसे कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आप लिखो जो क्या 15 से कम है, 15 से ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से कम होते हैं आप खुद बताओ, तो 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तो होगा नहीं क्यों, क्योंकि 15 से लेस बोला है, 15 से यहाँ लेस कहा गया, यानी यही तो होंगे, और ये आपका होता है रोस्टर मेथड और टेबलर, समझ पा रहे? जैसे हम आप ये कहते हैं कि सेट यम ऑफ मंथ ऑफ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज इन द रोस्टर फॉर्म इज रिटन है, मतलब आपको वो सारे मंथ्स के नेम लिखने हैं ना जिसमें जिसमें जो भी डेज होते हैं ना 31 डेज से क्या होते हैं कम होते हैं, तो ये बताओ जो 31 डेज से कम किसमें होता है, 31 डेज से आपका कम होता है फरवरी अप्रैल मई सॉरी जून सितंबर एंड नवंबर, इन सारों को आप कामा के द्वारा सेपरेट कर पाए ना, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। जैसे हम आपसे कह देते हैं स्टेट एल ऑफ लेटर इन द वर्ड जोधपुर इन द टेबलर फॉर्म कैन बी रिटन है, देखो जैसे हम आपसे कह दें जस्ट वेट हम आपसे कह मैथमेटिक्स को जैसे ये सपोज करो जस्ट वेट जैसे मान लो आपसे ये कह दें मैथमेटिक्स है ये मान लो हम आपसे ये कह दें मैथमेटिक्स को कोई सेट के फॉर्म में जैसे मान लो कोई सेट इसमें आप लिखो इसको क्या लिखोगे देख एलिमेंट्स सारे एम ए टी ओके एच ई अब ध्यान फिर यम आ रहा है ना देखो एक्चुअली आपने यहाँ यम यूज कर चुके हो यहाँ यम है तो यहाँ फिर यम नहीं आ सकता समझ पा रहे उसके बाद फिर क्या है देखो फिर टी टी तो यहाँ भी आपने लिखा है फिर आई है तो आई उसके बाद देखो सी है तो सी और देखो यस ये आपका मैथमेटिक्स का ये आपका टेबलर फॉर्म समझ पा रहे ये टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हो जैसे हम आपसे ये कह दें आपसे ये कहें कि मान लो कोई सेट ए है ओके हम उसमें आपसे कह रहे हैं क्या जैसे मान लो कि हम आपसे ये कह रहे हैं इंडिया ओके आई एन डी इंडिया को आप क्या लिखो इसमें लिखो तो ये कोई सेट है मतलब क्या टेबलर फॉर्म है तो पहले लिखो क्या आई फिर एन फिर डी फिर आई और सॉरी आई नहीं लिखो क्यों क्योंकि आई आपने यहाँ यूज कर चुका है उसके बाद से जस्ट ए लिखो और ऐसे ये कर लिखो ये सॉरी ये आपका जो कॉमा है ना ये नहीं है ओके तो ये आपके क्या हो गए इस फॉर्म के मतलब टेबलर फॉर्म में आप इसको लिख पा रहे ओके अब जस्ट देखो आप इसमें और क्या होता है ठीक है तो यानी देखो आप टेबलर फॉर्म समझ गए ओके इसके बाद से जस्ट हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं
ठीक है, अब ये देखो, the order of listing of the element in set can be changed. Yes, no doubt about. जैसे ऐसा नहीं है कि अगर एलिमेंट्स को जो ऑर्डर है इनका अगर हम 3, 5, 6, 9 कहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसमें ये नहीं तो मतलब होता ना कि जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एलिमेंट्स को कैसे भी किसी पोजिशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बस इतना ध्यान रखना है जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो रिपीट नहीं होंगे, समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर ये देखना, ये पहला प्रॉपर्टी थी, दूसरा देखो, इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट आर रिपीटेड द सेट रिमेन द सेम। ये कर अगर रिपीट कर गया ना, इसका मतलब सेम ही रहे, ये देखो ए बी सी फिर बी बी ए, इसका मतलब हम डायरेक्ट ए बी सी इसको लिखेंगे, ओके। फिर ये कह रहा है जैसे देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज लिस्टेड वंस एंड ओनली वन रिपीटेशन आर रिमूव द सेट ए ऑफ लेटर इज द वर्ड। इस ये तुम प्रोफेसर को अगर लिखना, हमने जस्ट बताया था ना, इसको कामा के द्वारा सेपरेट कर दे, देखो पी फिर आर फिर ओ फिर एफ फिर क्या ई फिर देखो, एक्चुअली हमने ओ यहाँ यूज कर चुके हैं, वो यूज कर चुके हैं ना, देखो यहाँ ओ यूज पूछ लिया हमने, वो नहीं लिखा, यहाँ देखो हमने यस यूज कर चुका है, दो यस बार आए, दो बार आया ना यस, लेकिन हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, तो फिर सेट ये सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे सॉरी टेबुलर फॉर्म ये होगा, समझ पा रहे? और कोई नंबर्स को लिखना है उसको हमेशा कामा के द्वारा आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका होता है कौन सा फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म और ये सॉरी टेबुलर मेथड, ओके। अब देखो इसके बाद जस्ट हम पढ़ते हैं रूल मेथड, इसको बोलते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आप करोगे? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब आप जैसे ये पहले देख लो, इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल से एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एंड इंक्लूड इन इट ब्रैकेट। ये कह रहा है इफ ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट एक्स हैविंग अ प्रॉपर्टी पी, वी राइट एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, समझ पा रहे? अरे सेट में तो वेल डिफाइंड होगा ही, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो उसी प्रॉपर्टी को ऐसे लिख देंगे सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, मतलब एक्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आप लिखोगे, ओके। जैसे ये कह रहा है विच इज रीड एज सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी द सिंबल दिस स्टैंड फॉर द वर्ड सच दैट, इसको हम सच दैट भी पढ़ते हैं, ये सिंबल होता है ना, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, आगे चलोगे तो इसको भी हम सच दैट पढ़ते हैं, ओके, इसको भी हम सच डेट पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप यही बस जाने इसको हम सच डेट पढ़ते हैं, ओके, क्यों? क्योंकि ये आपके नेक्स्ट क्लास में आपसे बताया जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास क्या आपको मतलब हायर क्लास में कोई बताया जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है वी यूज द सिंबल, देखिए यही बताया ना, जैसे ये कह रहा है ना इसके प्लेस हम इसको लेकिन यूज अभी आप नहीं करो, इसको बाद में बताया जाए। अब जैसे ये देखो, जैसे यहाँ देखो, जैसे कभी कभी आप ये कर लो या ये कर लो, कहीं बोथ आर सेम थिंग, लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है कोई नहीं ये भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कह रहा है दिस सेट ए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15 इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज, और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या 2n-1 जहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन की वैल्यू क्या है लेस देन आर इक्वल टू सेट, ओके। और फिर ये कह रहा है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x equal to 2n+1 n belongs to whole number and x less than or equal to 6। तो ये सारे आपके क्या हुए सेट बिल्डर फॉर्म हुए, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये कह रहा है दिस सेट p दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन है, जैसे ये कह रहा है तो सोचो अगर सपोज कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम आप ये लिखें जस्ट वेट, जैसे इसको इसी को आप देख सकते हो, ये आपसे कहा गया है द सेट जो P है P क्या है P है 0, 3, 6, 9, 15, 18 जो भी है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिख पा रहे हैं, इसलिए देखो एक्चुअली आप देख रहे 3 का मल्टीपल हो रहा है ना, तो यहाँ इसी सेट को P जो भी आपका सेट है तो ये हो जाएगा, ओके, दिस इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू वाट एक्स इक्वल टू क्या, देखिए कितने का मल्टीपल हो रहा है, जस्ट हमने बताया ना 3 का हो रहा है ना, यानी 3 × n, ओके, और n कहाँ से बिलोंग करता है, n देखिए एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 है ना,
तो जीरो आएगा कब? सपोज करो किसी नॉन जीरो नंबर में, किसी नॉन जीरो नंबर से प्रोडक्ट करो तो जीरो तो आएगा नहीं, इसका तो पक्का है किसी n की वैल्यू जो भी जीरो आनी पड़ेगी तभी तो जीरो आएगा ना ये फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब n को हम w से बिलोंग करें, w का मतलब होल नंबर, तो यानी होल नंबर अगर जीरो ले लें तो n की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आ गया। अगर सपोज करो कि n की वैल्यू हमने क्या रखा वन होल नंबर से ना, यानी वन तो ये थ्री हो जाएगा, n की वैल्यू टू टू सिक्स, n की वैल्यू थ्री टू नाइन, यानी देखो ऐसे सारे आपके एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट ये लिख दोगे जो हमने जस्ट बताया, मतलब ये थ्री का मल्टीपल हो रहा है ना, तो ये आपका थ्री का मल्टीपल। ये अगर p x x इक्वल टू 3n कॉमा n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन सेट, समझ पा रहे? ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म्स के कुछ एग्जांपल्स हुए, ठीक है। अब ये जैसे ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब ये देखो कभी कभी आपसे क्या होगा ना, रोस्टर फॉर्म को मतलब क्या कहेगा सेट में, इसमें रोस्टर आप फॉर्म है उसको आप क्या टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, जैसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म है उसको आपसे कहा जाएगा इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ओके। कभी कभी टेबलर फॉर्म आपको डिमेंड होगा, ठीक है, उसको आपसे क्या कहा जाएगा कि दूसरे में कन्वर्ट करने के। अब जैसे ये देखो, जैसे ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ये जो आपको गिवन है इसको आपको किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे ना वो कामा के द्वारा सेपरेट होंगे। तो पहले तो आप देखो ये इसमें कहा जा रहा है, इसको आप विजुलाइज करो कि आज सेट आएगा क्या, मान ने इसको कहा ए से, ये कह रहा है वो सारे यक्स रखेंगे जो यक्स इक्वल टू फाइव पी पे हो, ओके। और पी कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, ठीक है, तो इंटीजर से तो पी का उत्तर बहुत सारे होते हैं, ओके। लेकिन पी पर यहाँ कुछ कंडीशन है, इस पी पर कंडीशन क्या है कि जो पी है ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस थ्री और लेस देन टू, ओके। इसका मतलब पी की च्वाइसेज आप क्या ले सकते हो, पी इक्वल टू माइनस थ्री, पी इक्वल देख इससे बड़ा ना, यानी माइनस टू, पी इक्वल टू और इंटीजर भी होना चाहिए, पी इक्वल का माइनस वन, फिर देखो पी इक्वल का जीरो, पी इक्वल वन, अगर पी इक्वल टू ले सकते तो नहीं नहीं ले ले सकते, क्यों, बिकॉज हियर पी इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक पी इक्वल टू। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो अगर जो पी के प्लेस पे सपोज करो आपने कितना रखा, सपोज करो पी के प्लेस पे आपने रखा फर्स्ट केस में माइनस थ्री, इसका मतलब फाइव इंटू माइनस थ्री का मतलब माइनस फिफ्टीन, ओके। ये आपका हो जाएगा माइनस फिफ्टीन। अब देखो पी के प्लेस आपने क्या रखा माइनस टू, यानी फाइव इंटू माइनस टू का मतलब माइनस टेन, ओके। फिर पी के प्लेस में माइनस वन, यानी फाइव इंटू माइनस वन का मतलब माइनस फाइव। पी के प्लेस में जब जीरो रखोगे तो ये आपका हो जाएगा जीरो, ओके। और जब पी के प्लेस वन रखोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, यानी यानी कि आएगा आपका फाइव, यानी कि ये आपका ना, ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ, समझ रहे? यही कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म पूछा जाएगा, या कभी कभी रोस्टर फॉर्म दिया होगा उस रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ पा रहे? तो ऐसे कुछ आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आप अच्छे से देखोगे ना तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर, जस्ट अभी हम डिस्कस किया ना, हमने क्या किया था, हमने यही तो कहा था कभी कभी आपको क्या रोस्टर फॉर्म से क्या सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से ये आपके रोस्टर फॉर्म में पूछा जाएगा। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आप इसको लिखोगे ये ध्यान देना, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, ये जो भी आप इसके देखो कुछ कोई पैटर्न मिल पा रहा होगा। अरे ये देखो वन है, टू है, थ्री है, अप टू डॉट 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 यन 99, और ये देखो टू थ्री फोर डॉट 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 100, ओके। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आप देखो ये काउंटिंग है, वन टू थ्री फोर ऐसे जा रहा है ना, यानी डायरेक्ट यन अपान, ये देखो ये टू थ्री फोर फाइव थ्री, यानी ये यन प्लस वन, बस समझ पा। जिस यन के मान लो सपोज कर हमने 99 दिया, यहाँ 99 मिल गया, यहाँ 99 वन प्लस वन करोगे तभी तो 100 मिलेगा ना, समझ पा रहे? यानी 99 प्लस वन का मतलब 100, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, हो जाएगा यक्स सच दैट
x such that x equal to what n upon n plus 1. ओके n प्लस 1 ऐसे जो भी कंडीशन से आप इधर जो अप्लाई कर लो, n बिलोंग्स कहां से करता है नेचुरल नंबर से और n किससे छोटा है तो 100 से आपका ये n छोटा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो और इससे जो भी रिलेटेड आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन से एक्सरसाइज के कह रहा है स्टेट विच आर द फॉलोइंग कलेक्शन और सेट। अब ये इसमें से कौन सा कलेक्शन सेट है कौन सा कलेक्शन नहीं सेट है आप इसका इजीली आंसर आप दे सकते हैं जैसे कि हमने जस्ट डिस्कशन किया, ठीक है। अब ये कह राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म, ये सब वेरी गुड क्वेश्चन। इसको यदि आपको रोस्टेड फॉर्म में ना करना है ना बाबू, ये पहला क्वेश्चन ठीक है, तो इसको आप रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करते हो, पहले तो जस्ट अभी जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जी, इस पी पर जो भी कंडीशन निकल पी क्या है माइनस टू से बड़ा यानी माइनस टू आना चाहिए माइनस वन, ओके इसके बाद से जीरो, समझ पा रहे हैं, इससे बड़ा जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर एंड फाइव एंड सो ऑन सो ऑन डॉट 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 जो भी। अब उसके बाद जो भी आएगा ना ध्यान देना ये माइनस टेन तक यानी नाइन तक जाएगा, ठीक है। अब हर एक पॉइंट आप इसमें रखोगे, हर एक पॉइंट आप ध्यान देना जो भी है ना ये पी की वैल्यू इसे आप पुट करोगे, उसके बाद से ये जो सोल्यूशन आएगा ना ये सपोज पी के प्लेस में माइनस टू रख दिया, पी के प्लेस जब माइनस टू रखोगे क्या आएगा माइनस सिक्स आएगा ना, जब माइनस सिक्स आएगा और फिर क्या माइनस वन रखो कुछ और आएगा, सभी को वैल्यू का अलग अलग सेपरेट कर दो कामा वगैरह से सेपरेट कर लो, वो आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, समझ पा रहे हैं। यानी सारे ऐसे आप क्वेश्चन से सारे आप चाहो कि इसको वेरी इजी वे में आप कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने बताया आपको एक्चुअली बस पैटर्न दिखना चाहिए। यहाँ देखो 1 3 5 7 इसका मतलब समझ पा रहे हैं ये क्या है 2n माइनस 1 का फॉर्म है, जैसे एन के वैल्यू 1 रखो तो 2 माइनस 1 का मतलब 1, एन के वैल्यू 2 रखो 2 इन 2 जब 2 जब 4 में से 1 गया 3, ओके और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस, ये आपका फॉर्मेटी हमने बना दिया, समझ पाए। जैसे एन के वैल्यू 1 रखो 3, एन के वैल्यू 2 रखो 5, एन के वैल्यू 3 रखो 7, एन के वैल्यू 4 रखो 9, सॉरी। तो ये आपके सारे इससे आप इसी फार्मूले से जो भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा तो ये ऐसे होगा कि सेट बिल्डर में x बिलोंग्स टू क्या इसमें 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ओके समझ पा रहे हैं ना, मतलब x कहाँ से इसमें से बिलोंग कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, x ऐसे चाहो लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू कितना है 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और उसके बाद से क्या है 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 बिलोंग्स टू किससे, ये जो कि किससे बिलोंग करता है ध्यान देना, अरे ये जो है ना x इक्वल टू ये है और यहाँ बस आप ध्यान देना कि ये जो n है n के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना, तो ये आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसके बाद से ये फाइनल आप कर सकते हो, ठीक है। सेम ये भी है, ये भी सारे आप चाहो तो कर सकते। अब देखो इसके बाद से टाइप्स ऑफ सेट, यस अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, कोई फाइनाइट सेट का मतलब सिंपल समझो कोई सेट ऐसा हो जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ओके इस सेट को आप फाइनाइट कहोगे जिसको आप काउंट कर सको या मतलब फाइनाइट हो बस ऐसे समझो, आप सोचो अ सेट दैट कंटेन अ लिमिटेड काउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, इन अदर वर्ड द सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ द काउंटिंग ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कम्स टू एन एंड, मतलब ऐसा अगर काउंटिंग कर रहे हैं ना तो एंड हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ओके। अब ये कह रहा फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लो हमने क्या कलर्स ले लिए रेड ब्लू और क्या ग्रीन, ये देखना फाइनाइट है ना, ये देखना है कामा के द्वारा सेपरेट है और कोई रिपीट है नहीं, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया फाइनाइट। ये कह रहा है x v कोई सेट है x सेट है x बिलोंग्स टू होल नंबर और x लेस देन 1000, मतलब ये 1000 से कम होल नंबर फाइनाइट ही तो है ना, अरे फाइनाइट ही होगा ना कम से कम, समझ पा रहे फाइनाइट से अधिक जाएगा नहीं। अब ये कह रहा है सी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज वन ऑफ दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है। प्लैनेट इज ऑफ आवर सोलर सिस्टम जो सोलर सिस्टम इज फाइनाइट ही होगा ना, ये फाइनाइट कर सकते। अब देखो ये कह रहा है इनफाइनाइट सेट a state that contains unlimited number of elements is called infinite set, set of natural number, set of real number, set of whole number, देखो natural number को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ये सारे आपको क्या हो गए
ये सारे आपके हो जाते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये आप इनफाइनाइट सेट के लिए डेफिनेशन जान जाओ। कह रहे सेट कंटेनिंग अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, इसको आप देख सकते हो। सिंगलटन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिक सेट। समझ कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो सेट सिंगल ही एलिमेंट है, इसको हम क्या सिंगलटन कहेंगे या इसी को यूनिक सेट कहेंगे। ओके, जैसे ये कर एक्स है, एक्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सोचो एक्स ऐसा है कि एक्स क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बताओ एक्स अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है पक्का है तो एक ही हुआ होगा ना, इस प्रेजेंट में यदि कहा जाए तो। फ्यूचर में तो मतलब जो फ्यूचर जो पास्ट में है वो भी है, लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रेजेंट सिंगलटन सेट की बात किया जाए तो उसमें प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट होता है, उसी को ही लिया जाता है। ठीक है, आप देखो ये इम्पटी सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट, इट इज आल्सो अ नल सेट और वॉइड सेट, देयर इज ओनली वन सच सेट, दिस इट इज डिनोटेड बाय फाई। या इम्पटी सेट को हमेशा ध्यान देना, इम्पटी सेट को ना हमेशा ये फाई या कर्ली ब्रैकेट ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये सारे आप क्वेश्चंस जो भी डेफिनेशन से आप देख लोगे एग्जांपल से कुछ बताया गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, अ सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो भी इसका काइंड यूज हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल से कोई सेट ए इक्वल टू ये तो यूनिवर्सल सेट मे बी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर कोई सेट है तो यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि पूरा यूनिवर्सल सेट मे बी फ्रॉम, ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट जो भी है मे बी लेटर। ओके, अब ये मे बी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अब ये कह रहा है फॉर अगर एक वैल्यू मान अर्थ के मास का। ओके, अब ये कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट मे बी प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट दैट द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। अब ये देखो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब ये सिंपल सोचो वो जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। देखो ये कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाई एन ऑफ। समझ पा रहे, जो भी कार्डिनल नंबर होता है ना, जैसे हम आप ये कह दे बाबू ए इक्वल टू कोई सेट है जैसे 256, हम सॉरी 256 हम कह रहे हैं आपसे इसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 है ना, इसमें कहो इसका कार्डिनल नंबर चाहिए। बस ऐसे जैसे मान लो आपका कार्डिनल नंबर बताओ कि 1 वीक का जो डेज होते हैं ना इनके कार्डिनल नंबर बताओ, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, जौन जौन से दिन मतलब डे होते हैं उनके आपको कार्डिनल नंबर बता देना, तो कार्डिनल नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, 7 डेज होता है। तो आपको देखो ये जस्ट यही कह रहा है डेज ऑफ ए वीक देखो 7 होता है, तो एन ऑफ एक सेवन, कार्डिनल नंबर को हमेशा डिनोट करते हैं एन ऑफ ए, आई 7 है तो आपका 7। समझ पा रहे, ये होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, उसके बाद से जस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्वल सेट, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर इक्वल सेट, ताकि इसमें आपको बताएंगे इक्वल सेट होते क्या। ओके, अभी तक जो भी हमने आपको बताया सेट बताया, थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं, सेट बताया, सेट का हमने डिफिनेशन बताया, सेट का कुछ हमने एलिमेंट्स कब बिलोंग करते हैं उसका नोटेशन बताया, अगर डज नॉट बिलोंग हो रहा है तो उसका नोटेशन क्या होता है। ठीक है, समझ पा रहे, अगर फिर हमने सेट के इसमें देखो फाइनाइट सेट बताया, इनफाइनाइट सेट हमने बताया, सिंगलटन सेट बताया, ये सारी चीज़ें आप माइंड में अपने रिकॉल करो। फिर हमने सेट फिल्टर फॉर्म बताया, टेबलर रोस्टर फॉर्म, ये सारे हमने बताए, इन सब चीज़ों से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब फिर हमने कार्डिनल नंबर बताया, कार्डिनल नंबर में क्या एलिमेंट्स उसमें जितने होते हैं ना उनकी नंबरिंग काउंटिंग की जितनी होती है ये आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। इसके बाद से जस्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट होते कैसे हैं। ठीक है, इक्वल सेट को कैसे डिफाइन करोगे, इसका यूज करके क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम जस्ट मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है।